अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ, आपको पता है कि आज जो एक तलीमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बैन सूबाई वज़राए तलीम के दौरान, और वो कॉन्फ्रेंस जो है वो वज़ीर तलीम शफकत महमूद साहब जो हैं, जो कि वफाकी वज़ीर तलीम हैं, उनकी ज़ेर सदारत जो है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। उसमें तमाम सूबों के जो वज़ीर तलीम हैं वो बज़रिया वीडियो लिंक जो हैं वो शरीक हो चुके हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कौन कौन से फ़ैसले मुतवक्के हैं, इसके बारे में भी जो है वो मीडिया के ऊपर आ रहा है, वो भी मैं आपको नाज़रीन बताने लगा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ उसकी नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें और आप इससे इस्तफादा करते रहें। तो अब मैं चलता हूँ इस अहम अपडेट और मीडिया न्यूज़ की तरफ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इजलास के बाद जो वफाकी वज़ीर तलीम शफकत महमूद साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये आप न्यूज़ देख रहे हैं, एज ए प्रूफ मैं आपको पेश कर रहा हूँ ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको। उसके अलावा दूसरी जो क्लासेज हैं, दीगर क्लासों के इम्तना से मतलब भी तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर आने का इम्कान है, और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहान का फ़ैसला जो है वो भी हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।